So you got initiation in 2005 in Jodhpur? Yeah. Okay. So how did you get to know about Gurudev Siyar? Sir, we can talk in Hindi, sir. English to abhi aapse theek hai, but theek. Kaise kisne aapko introduce kiya? In 2005, mein, sir, I was in my college final year degree. जोधपुर यूनिवर्सिटी से ही मैं कर रहा था एंड गुरु भाई जयदीप सिंह राठौर जो अभी वहाँ पे एचआर हैं मैक्स में जी वो मेरे साथ ही थे मेरे कॉलेज ईयर में एंड हिज एल्डर ब्रदर प्रद्युमन सिंह वो हमसे दो क्लास सीनियर थे जो कि गुरु भाई उमेद सिंह भाटी जिनका आपने एक बार इंटरव्यू का वीडियो डाला था जी चौपासनी में जो रहते हैं जी तो प्रद्युमन दादा उनके कनेक्शन में वो उनके फ्रेंड थे ऐसे तो उमेद बाबा को पहले गुरुदेव का पता चला था उन्होंने फिर प्रद्युमन बाबा को बताया एंड देन मेरा पता चला हाँ अब हुआ क्या कि तो वो प्रद्युमन बाबा हमसे शायद एक वीक पहले उन्होंने दीक्षा ले ली थी आश्रम में क्योंकि उस टाइम पे वो हर थर्सडे को गुरुदेव दीक्षा प्रोग्राम करते थे आश्रम में बाहर जो गार्डन एरिया है वहां पे करते थे तो उस दौरान क्या हुआ था कि मतलब आई वॉज कम्प्लीटली हेल्दी मैं आर्मी की और ये जो BSF एग्जाम्स होते हैं ऑफिसर कैटेगरी वाले CDS और ये सब की मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं एकदम फिट एंड फाइन था एंड वर्कआउट भी बहुत करता था क्योंकि उसके लिए वो जितना भी फिजिकल सब रिक्वायरमेंट है वो सब मीट करना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कुछ नहीं था फिर सडनली एक दिन मैं सुबह जब उठा तो मुझसे आंख भी नहीं खोले जा रही थी मतलब मैं जैसे ही आंख खोलता था तो हर चीज घूमती थी बहुत ज्यादा हाई लेवल का वर्टिगो मेरे को आया था मतलब आई कांट इवन ओपन माय आई अगर मैं लेटे हुए भी आंख खोल रहा हूँ तो ऊपर जो फैन है या कुछ भी दीवार है वो सब मेरे को बहुत ही तेज घूमता हुआ दिखता था तो मेरे को बहुत ज्यादा हिट होता था तो मैं खोल नहीं पा रहा था उस दिन ऐसे सडनली हुआ मॉर्निंग में तो मैं उठा मैं जाके वापस से अपने फादर के उधर रूम में चला गया बेड पे कूलर के सामने एकदम जाके क्योंकि मेरे को पसीना आने लग गए थे बहुत कूलर के सामने जाके मैं लेट गया मैंने कहा उससे थोड़ी ठंडी हवा आएगी ठीक हो जाएगा फिर मेरे पेरेंट्स आए उन्होंने पूछा भाई तो अभी तो उठा है वापस क्यों सो गया देख कोई आए गेस्ट आए देख मिलने में मेरे से कोई आँख भी नहीं खोली जा रही कुछ नहीं हो रहा मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी खोलवा के लेकिन नहीं हो रहा था फिर फटाफट डॉक्टर के पास ले गए पास में ही पावटा मैं जहाँ रहता हूँ जोधपुर में पावटा एरिया है उधर डॉक्टर तो डॉक्टर के पास ले गए तो उन मेरे को जो है दोनों तरफ से उनको होल्ड करना पड़ा था ऐसे मतलब आई कांट वॉक क्योंकि मैं तो मतलब मेरे तो पाँव रखते मैं गिर जाऊँगा ऐसी सी वो कुछ था पता नहीं क्या था डॉक्टर ने बोला फटाफट एडमिट कर दो इसको हॉस्पिटल में फटाफट से इमरजेंसी में एडमिट किया वहीं पावटा के हॉस्पिटल में एंड देन उन्होंने कुछ वो जितने भी टेस्ट वगैरह होते सब कर लिए जो भी होते हैं डॉक्टर्स जो करते हैं ब्लड वगैरह ये सारे टेस्ट कर लिए उन्होंने उनकी सबकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई कुछ भी इश्यू नहीं था मेरे को ड्रिप्स चढ़ने लग गई और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी एंड देन तो मेरे को 3 दिन तो हॉस्पिटल में रखा 3 दिन बाद मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ कंडीशन फिर मेरे को 2 दिन घर पे भी ड्रिप चढ़ाई और मेरे मम्मी जो है वो देसी घी की मालिश करती थी हेड में कि भाई थोड़ा सा रिकवरी
जल्दी होए और ये सब। हाँ तो ऐसा सब हुआ, ये सब फिर मैं रिकवर किया। कोई बीमारी कुछ भी पकड़ में नहीं आई कि क्या था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन जो है वापस से मैं फॉलोअप के लिए गया डॉक्टर के पास एक हफ्ते बाद, क्योंकि आई वॉज फीलिंग बेटर। तो डॉक्टर ने बोला था कि आना, तो मैं गया। तो ऐसी बात चल रही थी और उन्होंने पूछा कि यार तेरी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तेरे को दूर की कम दिखती है क्या, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा बहुत ही रेयर, मतलब बारीक सा है जो धुंधला दिखता है मेरे को, काफ़ी दूर की चीज़। तो उन्होंने बोला तो एक बार आई टेस्ट करा और देख कि अगर थोड़ा बहुत है तो, कई बार उससे थोड़ा हैवीनेस रहती है हेड में। तो मैंने करवाया तो मेरे को माइनस में 0.5 का वो था, नंबर था। तो ऐसे करके हो गया। फिर ये सब हो गया, ये इसके आई थिंक मैं जब वो रिकवरी स्टेज में ही था तभी ये सब चीज़ हुई कि वो गुरुदेव से जुड़े, प्रद्युमन बाबा जयदीप सा को बताया, मेरे को बताया। फिर हम लोग गए आश्रम में, दीक्षा ली, और उसके बाद जो है एकदम मामला एकदम सही हो गया। फिर 2005 की ये बात है, मैं 2006 जनवरी में जयपुर में, आप जयपुर में ही रहते हैं शायद, ऐसा हाँ, मैंने मैं बताया जयपुर था। में रहता हूँ। आप जयपुर में रहता हूँ। 2006 तो जेनपैक, में तो मैं चाइना में था। अच्छा तो जेनपैक है ना सर जो जयपुर में, जी जी जेन जी उस टाइम पे मालवीय नगर वाला ऑफिस खुला नहीं था, तो सीतापुरा वाला ऑफिस था। तो मेरी जेनपैक में जॉब लग गई थी 2006 जनवरी में। फिर बाद में 7 में मैं इधर मूव हो गया था मालवीय नगर जीटी के पास वाला। तो अब ये सब चल, अब उससे पहले मैं बहुत, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड था, रेगुलरली ध्यान करता था, 2 टाइम कभी कभी तो 3 टाइम कर लेता था अगर मेरा मन करता था तो। अलग अलग जगह पे हमने जाके ध्यान किए देखने के लिए कि कहाँ ज़्यादा लगता है, आश्रम में और कोई मंदिर होता है वहाँ पे, कई मतलब अलग अलग बहुत जगह पे। तो अब जो जयदीप जयदीप सिंह है उनको बहुत ज़्यादा ये होते थे, फिजिकल मूवमेंट्स बहुत होते थे उन दिनों में, इनिशियली जब वो जुड़े थे तो। और हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे अनुभूति, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि मोटिवेशन मिलता था। और मेरे को कभी कोई फिजिकल मूवमेंट होता ही नहीं था उन दिनों में, इनिशियली बहुत कभी नहीं हुआ मेरे को, दूसरे ही अनुभव होते थे। तो मैं वो बताता था उनको, तो वो बोलते थे आप एक अलग स्टेज पे हो और आपको ऐसे ऐसे। तो मैं ये सब मानता नहीं था, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्यों होएगा अलग स्टेज, मैंने ऐसा क्या किया है, अपन तो पड़ोसी हैं, साथ ही रहते हैं। तो फिर ऐसे पता चला कि वो कुछ होता है अलग, हर किसी योगी को अलग क्रिया होगी, उसके ज़रूरत के हिसाब से होगी। ये सब हुआ करने लगे। मैं आपको अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो अभी तो थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप आप बताना चाहें। मैं जब यहाँ पे हमारे नाइट होगी, आपके उधर अर्ली मॉर्निंग होगी सैटरडे कल, तो फिर अपन उस टाइम पे थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। बट ऑन अ शॉर्टर नोटिस, मतलब मेरे को अच्छा फिजिकल मूवमेंट के नाम पे ये हल्का फुल्का गर्दन इधर उधर होना, थोड़ा बहुत ये हाथ वाथ हिलना, झुक जाना, ये सब तो मेरे को बाद में हुआ। पर इसको वैसे तो ये अनकंट्रोलेबल ही है, मैं नहीं कर रहा था, मुझे पता है। पर ये इतना धीरे होता है कि अपन को ऐसे फील होता है कि चलो अपन ही कंट्रोल कर रहे होंगे, अपना ही मन कर गया कि अपन ऐसे उठा लें हाथ या गर्दन घुमा लें। पर जो अनकंट्रोलेबल जो मूवमेंट हुआ था मुझे, मेरे फिजिकल मूवमेंट, वो एक बार मैं जोधपुर में अपने वो जो रूम है उसमें बैठ के ध्यान कर रहा था। ज़्यादातर मैं क्या करता था कि अपन जब भगवान के वहाँ बैठते हैं तो वो कुछ कपड़ा या ऐसा बिछा लेते हैं नीचे। उस दिन मैंने कपड़ा नहीं बिछाया आसन था, आसन बिछाते हैं, उस दिन मैंने कुछ नहीं बिछाया, मैं ऐसे ही फर्श पे बैठ गया था। और पोजीशन भी कोई मिडिल ऑफ द रूम में पोजीशन थी मेरी, अमूमन मैं साइड में बैठता था,
उस दिन पता नहीं क्यों मैं पोजीशन चेंज करके मिडिल ऑफ द रूम बैठ गया, बिना आसन के बैठ गया। और मैंने जैसे ही ध्यान स्टार्ट किया, थोड़े 2 मिनट हुए थे, तो जैसे मैं अभी फेस इधर करके बैठा हुआ हूँ, आलती पालती मार के मैं बैठा था, और मेरी जो बॉडी है वो ऐसे 1, 2, 3 पूरा नहीं हुआ था, 2.5 दिवाली पे वो जमीन चक्री नहीं चलाते अपन, जलेबी चक्री, वैसे घूम गई मेरी बॉडी। ओह वाओ, उसी पोजीशन में बैठे बैठे में 2.5 टाइम्स ऐसे रोटेशन हुआ, जूम बहुत तेज हुआ। और उसके बाद मेरे को कम से कम 10 मिनट तक मैं आंख खोल नहीं पाया, क्योंकि सब घूम रहा था, क्योंकि वो इतना तेज हुआ था वो मूवमेंट। और ऑब्वियसली वो होश में तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कुछ इतना तेज वो रोटेट, बस में नहीं है वो करना। बहुत तेज रोटेट हुई वो मेरी बॉडी, तो मेरे को एकदम, तो मैं ऐसे सिर टिका के मैं बैठ गया आंखें बंद करके, 10 मिनट तक मैं बैठा रहा, फिर मैं धीरे 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 आंख खोली ऐसे। तो ये मेरा एक्सट्रीम फिजिकल मूवमेंट था उस समय का, आज तक का फिजिकल मूवमेंट के नाम पे ये मेरा एक्सट्रीम, यही सबसे स्ट्रांग था। ओके, और उसके अलावा मेरे को जो होती है अनुभूतियां जो मेरे को हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट अब हुआ कि जेनपैक जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, उससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली करता था ध्यान, तो बहुत ही अच्छी होती थी अनुभव। पर ये कि काम में जब बिजी हो गए, फिर के यंग एज थी, पहली बार कुछ जॉब पे निकले थे, तो एक अलग धुन सवार थी कि कुछ करना है अपन को, मतलब तो बहुत ज़्यादा आवर्स देता था ऑफिस में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के चक्कर में कि प्रमोशन होगा, कुछ इंसेंटिव मिलेगा, तो ये सब के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने लग गया। तो धीरे 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 ये ध्यान का रास्ता छूटता गया। पर टचवुड गुरुदेव ने जो है नाम जब मेरा तब से अभी तक कंटिन्यू रखाया हुआ, वो मैं कभी भूलता नहीं। जैसे मेरे को याद आता मैं नाम जब तो स्टार्ट हो जाता है, पर ध्यान जो है वो मैं रेगुलरली नहीं करता था। फिर बीच बीच में कभी कभी करता था, जब करता था तब कुछ ना कुछ अनुभूति मेरे को होती थी। एक बड़ी यूनिक सी चीज, एक मैसेज था शायद गुरुदेव की तरफ से, कि 2014 में मैं एक बार ध्यान किया, तो उसमें मेरे को जो अनुभव हुआ, फिर मैंने ये comforter.org पे जो ईमेल आईडी दी हुई थी उसको मैंने ईमेल भी किया था, वो मैं ढूंढूंगा, मेरे को मैंने बीच में देखा था मेरे पास था वो, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो मैसेज। तो उसमें बेसिकली मेरे को ध्यान में ऐसे एक परछाई दिखी आसमान में, कोई बर्ड की, पक्षी की परछाई दिखी काली काली। फिर वो परछाई बड़ी होती गई होती गई होती गई, जैसे जैसे पास में आ रहा है तो वो एक गोल्डन कलर का टर्न हो गया वो पक्षी, धीरे धीरे ब्लैक से वो गोल्डन पक्षी बन गया। और वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया साइज में कि अगर वो ऐसे बैठेगा कहीं पे तो जैसे अपनी पूरी अर्थ जो है उसको भी वो कवर कर ले, अगर वो अपने पंख ऐसे बंद करके बैठेगा नॉर्मली तो अर्थ पूरी कवर हो जाएगी, उससे भी ज्यादा, अर्थ से भी ज्यादा बड़ी साइज का वो था पक्षी, एक्चुअल साइज जैसी दिखी मेरे को। फिर मैंने थोड़ा, अब उस बहुत ज्यादा वहां से प्रकाश आ रहा था तो कुछ धुंधला धुंधला एकदम ही सुनहरा दिख रहा था, फिर धीरे 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 प्रकाश थोड़ा कम हुआ, फोकस आया, तो उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि गुरुदेव पक्षी के ऊपर बैठे हुए हैं और गुरुदेव बोल रहे हैं कि डाउट मत करो, विष्णु मैं ही हूँ, ये जो तुम देख रहे हो ये मेरी सवारी है, मेरी सवारी पे मैं बैठ के आया हूँ, बहुत जल्दी समय आने वाला है इस दुनिया में कि मेरे ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे मेरे पक्षी होंगे, तुम सब मेरे पक्षी हो, तुम सब मेरे गरुड़ हो, और तुम जो है तुम जितना चाहो उतना वो कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, तुम जितना चाहो उतना बड़ा स्केल पे तुम
फैला सकते हो हर चीज को, ये सब मैंने तुमको शक्ति दी है, ऐसे करके मेरे को एक मैसेज उस टाइम पे ऐसे ध्यान में मिला। तो मैंने वो याद जितना मेरे को रहा बाद में मैंने ऐसे ईमेल कर दिया। मैंने कहा ये एक यूनिक मैसेज है, तो मैंने कहा ये कि कोई इंडिविजुअल अनुभूति नहीं है, कि ये पूरे सब लोगों के लिए ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने इसलिए ईमेल ड्राफ्ट करके सेंड कर दिया था कंफर्टर वाले उस पे ईमेल आईडी पे। तो उसके अलावा सर मेरे को बहुत, जैसे मेरे को सूक्ष्म शरीर की अनुभव काफी बार हुए, वो मैं वेरीफाइड भी है, एज इन एक तो होता है ना कि अपन सिर्फ सोच रहे हैं। हाँ जी जी जी, तो ऐसे तो बहुत बार हुए हैं, लेकिन वो वेरिफिकेशन के नाम पे मैं जो बताऊं आपको, तो एक बार ऐसा हुआ था जिससे कि वेरीफाई किया बाद में मैंने कि ये वाकई में चीज है कि नहीं। एक बार मैं आश्रम में बाहर ही गार्डन में हम लोग बैठे थे, गुरुदेव वही प्रोग्राम चल रहा था दीक्षा वाला, क्योंकि नए लोग भी हमेशा आते थे, तो हम तो खैर ऑलरेडी जुड़ चुके थे, बैठे थे। अब ध्यान करते करते फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर, वो मेरी फर्स्ट अनुभूति थी सूक्ष्म शरीर वाली, तो मेरे को लगा कि मेरे शरीर में से कुछ निकला है और ऊपर की तरफ गया, आसमान की तरफ। तो धीरे धीरे उठा, तो अब उठा तो मैंने देखा कि मेरे से चार पांच लोग जो मेरे पास में कौन बैठे हैं ऐसे दिख रहे हैं मेरे को, उनके रंग दिख रहे हैं कपड़ों के, गुरुदेव जो बैठे हुए हैं वहां पे आसन पे, तो वो मेरे को गुरुदेव दिख रहे हैं, उनके ऊपर टेंट लगाया हुआ था शेड के, वो मेरे को ऊपर से दिख रहा है। और ऊपर उठा और ऊपर उठा तो मेरे को पूरा गार्डन दिखने लग गया, आश्रम की छत दिखने लग गई मेरे को। तो छत पे एक फ्लैग था और फ्लैग के पास में कुछ एक चीज रखी हुई थी शायद सपोर्ट के लिए, डंडा। तो वो अपन को नीचे जब अपन होते हैं गार्डन में तो अपन को वो चीज दिखती नहीं है क्योंकि वो इतनी ऊपर है और वो ऐसे, तो वो भी मेरे को दिखा। फिर आश्रम के बाहर गेट, जो उस दिन कम लोग, भीड़ कम थी, तो गेट के बाहर जो दीवार है आश्रम की, वहां पे गाड़ियां पार्क होती है, लोग वहीं कर देते हैं, तो मेरे को वो गाड़ी भी दिखी, मेरे को चार पांच गाड़ियां दिखी, उसका कलर कौन सा है, कौन सी गाड़ी पड़ी हुई है, ऐसे एक ब्रीफ मेरे को विजन आया कि और वो किस पोजिशन में है, कैसे, कोई ऐसे पार्क्ड है, कोई ट्रेडी है, कोई सीधी है, ऐसे एक क्विक सा वो विजन आया। ये सब हुआ, फिर मैंने जो है देखा मैं ऐसे घूम के देखा चारों तरफ आश्रम के, तो मेरे को जो भी वो उधर के पहाड़ वहाड़ सब दिख गए। फिर मैं वापस आया, अपने वापस आके शरीर में घुस गया और इतनी देर में 15 मिनट हो चुके थे तो ध्यान में खुल गया, खुल गया, फिर सब हो गया, गुरुदेव वापस पधार गए अंदर। फिर मैंने जाके वो जो साइड की तरफ एक पानी पीने वाला वो एक एरिया बना रखा था उधर, तो मैं उस तरफ पानी पीने गया, मुंह धोया, वहां से मैंने जब देखा तो ऊपर वो वाकई में वो फ्लैग था एक। अब उसके पास क्या नीचे रखा था वो तो वहां से दिखता नहीं है, लेकिन वो फ्लैग मेरे को जरूर दिख गया एकदम प्रॉपर, जैसा मेरे को उस विजन में दिखा वैसा का वैसा फ्लैग। सब हुआ, फिर हम अंदर गए, हॉल में गए, सब हाथ जोड़ के सब कर करा के दर्शन पूरा करके वापस जब बाहर निकले हम, तो मैंने देखा कि जो गाड़ी मेरे को जिस पोजीशन में खड़ी हुई जिस रंग की दिखी थी वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी खड़ी थी वहां पे आश्रम के बाहर। डिट्टो, मतलब पांच गाड़ियां थी, पांचों की पांचों वैसी की वैसी पोजीशन में वहां रखी थी। तब मेरे को विश्वास हो गया कि यार ये मैंने वहां देखा और मेरे को असली में भी यही दिख रहा है, मतलब ये क्या था। फिर मैंने शेयर किया तो फिर एक दो कोई लोग जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने बताया कि ये तो सूक्ष्म शरीर का एक अनुभूति थी, आपको डिवाइन फॉर्म जो बोलते हैं, एक फिजिकल बॉडी ये है वो डिवाइन बॉडी है, तो वो उसका अनुभव हुआ आपको। वही सेकेंड एक मेरे को फिर मेरे को घर पे भी हुए थे, पर वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक बार वापस मैं, मेरा छोटा ब्रदर और जयदीप सिंह, हम तीनों गए थे आश्रम, और गुरुदेव उस दिन नीचे नहीं आए थे, हम थोड़ा और टाइम पे गए थे। तो हम लोग बैठ गए हॉल में, और गुरुदेव की जहाँ पे मूर्ति लगी हुई हॉल में मेन, तब हुआ क्या कि अब हम बैठे हैं तो एकदम आगे नहीं थोड़ा पीछे, क्योंकि खाली पड़ा था हॉल। तो हम तीन लोग बैठ गए और एक कोई बंदा पीछे बैठा हुआ था कॉर्नर में। अब हम तीनों बैठे, अब मैं जहाँ बैठा था वो गुरुदेव की जो स्टैच्यू है उसके एकदम सामने सीध में मैं बैठा था, करीब
30 फुट दूरी पे मान लो आप, मतलब ऐसे मैं रफली बता रहा हूँ, हॉल में मैं बैठा हूँ, मेरे एक सामने गुरुदेव की स्टैचू है, वो दोनों इधर साइड में बैठे हैं। अब हो गया ध्यान स्टार्ट हो गया, आंखें बंद करके सब ध्यान चल रहा है, फिर मेरे को वापस ये अनुभूति हुई कि मेरे शरीर से मैं निकला हूँ और मैं गुरुदेव की स्टैचू की तरफ जा रहा हूँ उनको माथा टेकने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ और मैं रुक गया एकदम, बीच में रुका क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल था बीच में। तो मैंने ऐसे करके अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया, उस ऑब्स्टेकल को पार करके फिर मैं गया और फिर मैंने गुरुदेव के वहाँ पे स्टैचू पे माथा टेका, आशीर्वाद लिया। मैं वापस से आया उसी वे से, यूं वापस से थोड़ा सा घूम के आके वापस अपने आके बैठ गया। ये सब हो गया, फिर अच्छा, फिर उसके भी 2-3 मिनट बाद जब ध्यान खुला तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो मेरे आगे जो जगह थी हमारे मेरे और गुरुदेव के स्टैचू के बीच में, उस जगह पे आके एक आदमी बैठा हुआ था, वो ध्यान कर रहा था और वो बाद में आके बैठा था क्योंकि जब मैं बैठा तब कुछ नहीं था। तो ये भी मेरे को एक ये वेरीफाई हो गया कि यार मेरे को तो जब मैं बैठा मेरी आंखें तब से बंद हैं तो मेरे को क्या पता कौन आके बैठ गया वहां पे बीच में, तो सूक्ष्म शरीर को पता चला। तो इसीलिए उसने डायरेक्शन ऐसे बदली, यूं घूम के गया और फिर जाके धोख लगा के वापस आया। तो ये वापस से वेरीफाई हुआ उस एक्सपीरियंस से। अब इसके अलावा मेरे को सर वो जो एक बार अभी रिसेंटली आपने गंध, दिव्य गंध की बात करी थी, तो दिव्य गंध के अनुभव मेरे को करीब 3-4 बार हुए हैं। तो वो अपन एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते क्योंकि वैसी कोई भी खुशबू अपन ने फिजिकल तो एक्सपीरियंस नहीं, वर्ल्ड में कुछ ऐसी है नहीं। आप भले आप महंगे से महंगा परफ्यूम ले लो, इत्र ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस टाइम मैं ऐसे बोलता था कि जैसे कोई एक गुलाब को जब अपन स्मेल करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो अगर लाख या करोड़ गुलाब एक जगह पे ला दे, मतलब मैं तो ऐसे इंटेंसिटी बताने के लिए ऐसे बोल रहा था, उसकी स्केल बताने के लिए, कि जब एक गुलाब की खुशबू भी इतनी अच्छी लगती है तो अगर लाखों गुलाब एक जगह लाए और उसकी खुशबू का जो एसेंस निकाल के दे दें तो उतनी वैसी वो स्मेल थी, तो वो बता नहीं सकते। उसके अलावा सर मेरे को, मैं पता नहीं वो नाद है कि क्या, क्योंकि मेरे को रेगुलर तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक्सपीरियंस कि कुछ सुनाई दे रहा हो नाद टाइप। पर उन दिनों में इनिशियल डेज में जब मेरे को दूर ऐसे बहुत ही धुंधली धुंधली पहले दूर से कुछ आवाज आनी स्टार्ट होती थी, फिर वो आवाज थोड़ी थोड़ी तेज होती थी, ऐसे लगता था कोई पास आ रहा है, और वो बांसुरी की आवाज होती थी। अच्छा। और जब मेरे को वो सुनाई देती थी तो मेरे आसपास में अगर कुछ भी चल रहा है तो वो मेरे को सुनाई नहीं देता था, फिर चाहे टीवी चल रही हो चाहे कोई बात कर रहा हो, क्योंकि नॉर्मली तो अपन जब ध्यान में बैठते और कोई आवाज आती है तो अपन को सुनाई तो देती है वो चीज, चाहे अगर अपने पास कोई बैठ के बात करे या गाना बज जाए या चिड़िया बोलेगी तो सुनाई देगा, लेकिन जब वो सुनाई देती थी तो फिर बाकी सब आवाज बंद हो जाती थी। और फिर वो ऐसे लगती थी कि दूर से पहले स्टार्ट हुई धुंधली धुंधली, मतलब हल्की वॉल्यूम में, और फिर वो वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रहा है। तो फिर उस टाइम बहुत ज्यादा आनंद आता था, तो मतलब एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे हो जाता था। तो वो बांसुरी की आवाज मेरे को करीब 3 या 4 बार ऐसा अनुभव हुआ था, वो इनिशियल डेज में हुआ था मेरे को, उसके बाद नहीं हुआ था ये जो सुनाई देने वाला, 2005-06 के टाइम पे ही हुआ था ये वाला अनुभव। उसके अलावा सर मेरे को पता नहीं, मैंने और किसी से ये सुनी नहीं ऐसी कोई अनुभूति आज तक, जो वो ये थी कि अब मेरे को अभी तक यकीन नहीं है कि वो मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है या क्या है, क्योंकि मतलब इसका क्या प्रूफ तो मैं दे नहीं सकता, पर मेरे को एक बार स्पर्श की अनुभूति हुई थी सर। और अब हुआ क्या था सर कि मैं बैठा हुआ था वही फर्श पे, तो अब सर्दियों का टाइम था, तो सर्दी में जैसे अपने जो फर्श होते हैं अंदर वो भी ठंडे रहते हैं नीचे, तो उसके ऊपर जो है मैं एक गरम वो वूलन वाला एक वॉर्म सा एक आसन था हमारे, उस पे वो मैं बिछा के बैठा था, ठंड का टाइम तो सुबह सुबह की बात है।
ध्यान कर रहा हूँ कर रहा हूँ। उस टाइम पे सर मेरे को क्या दर्शन बहुत होते थे मेरे को इनिशियल डेज में, तो मेरे को गुरुदेव, दादा गुरुदेव के दर्शन, मेरे को अलग अलग जो देवी देवताओं के, भगवान के दर्शन, और उनके अलग अलग रूप दिखते थे जो आज तक अपने फोटोज में कभी नहीं देखे, या टीवी सीरियल में कभी नहीं देखे, या कोई बुक्स में भी नहीं देखे, जैसे गीता वगैरह में भी कोई अगर चित तो, या जैसे कल्याण करके एक बुक आती थी दादो सा के पास, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें बहुत चित्र होते थे, तो मैंने आज तक उस टाइप का कभी नहीं देखा था जो चित्र में उस टाइप का मेरे को दिखते थे, भगवान की जो फॉर्म दिखती थी, कृष्ण भगवान की, शिव जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की फॉर्म मेरे को एकदम अलग टाइप की दिखी दिखती थी, वो मेरे रेगुलरली मेरे को ये दर्शन बहुत ज्यादा होते थे उस टाइम पे, फिजिकल मूवमेंट नहीं होते थे, दर्शन और ये दूसरी अनुभूतियां ज्यादा होती थी, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे दिखे थे। अब उस दिन क्या हो सर, वो जो ठंड का टाइम है, वूलन आसन बिछा के बैठा हुआ था, और मेरे को कृष्ण बाल रूप में देखे, कृष्ण भगवान छोटे अरे रूप में, और जैसे अपने टीवी पे दिखाते हैं या फोटो में वैसे नहीं, वो अलग टाइप का उनका रूप था, वो मेरे को दिखे कृष्ण भगवान बाल रूप में, और वो ऐसे पाँव से भी नहीं चल रहे थे, वो जो छोटे बच्चे जब चल नहीं पाते तो वो पूरे हाथ पाँव दोनों यूज करते हैं ना, गुड्डाली चलते हैं, गुडलियां चलते हैं। हाँ गुडलिया, वैसे चल के आए साइड से, लेफ्ट साइड से आए, मैं जब बैठा तो लेफ्ट साइड से आए कृष्ण भगवान, तो आए और उनके वही कुछ वाइट मक्खन होगा, वाइट लगा हुआ था यहाँ पे, हाथों पे भी वाइट वाइट लगा हुआ था, तो ऐसे गुडालिया चल के आए और सामने आके बैठ गए, तो अब सामने आके बैठ गए तो अपने आप मेरा ऐसे हुआ कि भाई कृष्ण भगवान आके दर्शन दे रहे हैं, तो उनको धोक लगाऊं, पांव छू लूं उनके, तो ऐसे करके तो मेरा ऐसे सिर आगे की तरफ झुका, पहले तो सिर पूरा झुक के ये जो है ये टिक गया वहां पे फर्श पे टिक गया ये, तो मेरे को यहाँ पे ठंडा ठंडा लगा क्योंकि फर्श ठंडा था, तो जैसे मेरा ये टिका एकदम बहुत ठंडा सा लगा मेरे को, फिर मेरे दोनों हाथ यूं सामने की तरफ आए, आके उनके पांव को टच करे मेरे हाथ, तो जब मेरे हाथ टच हुए किसी चीज पे, मेरे को नहीं पता वो क्या चीज थी, फर्श ही था या क्या था, क्योंकि आगे तक पूरा फर्श था और कुछ तो बीच में रखा नहीं हुआ, तब एक्चुअल में तो वो फर्श पे ही टच हुए होंगे हाथ, क्योंकि मेरे को फील हुआ कि कहां तो हाथ लगा है, पर वो जगह ठंडी नहीं थी, वो जगह बड़ी वार्म थी, अच्छा हाँ वो जगह बहुत ही वार्म थी, और ऐसा था कि जैसे अपन वाकई में किसी की स्किन को टच करते हैं या किसी के शरीर को जब टच करते हैं, तो वैसा कुछ सरफेस था वो जहाँ पे मेरे हाथ लगे थे दोनों, और अब एक्चुअल में फिजिकल रूप में तो वो फर्श ही होएगा क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता, वहां पे कोई चीज रखी भी नहीं हाँ, थी लेकिन वो ना, गर्म कैसे हो सकता पर वो है? गर्म कैसे, क्योंकि माथे पे तो लग रहा है ठंडा और वो हाथ जहाँ है वो लग रहा है गर्म, तो बड़े जोरदार वॉर्म वॉर्म सा ऐसे फील हुआ। अब वैसे तो मैं ध्यान में तो उनकी फीट को टच कर रहा था, तो मेरे को मैं तो यही मानता हूँ कि भाई उनकी फीट होगी इसीलिए वो वॉर्म था जहाँ पे मेरा हाथ लगा, और माथा फर्श पे लगा था तो यहाँ पे तो ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा फर्श है लेकिन हाथ पे लग रहा है गर्म, तो फिर मैं ऐसे ये मेरे को एक बार स्पर्श की अनुभूति एक ही बार ये हुई थी, तो ये इतनी हुई। विलक्षण अनुभूति है गुरु। हाँ सर ये वाली मैंने कभी नहीं सुनी किसी से, वीडियो में भी नहीं सुनी। नहीं, गुरुदेव को दर्शन हुए थे कृष्ण के बाल रूप के। उन्होंने अच्छा अपनी किताब में लिखा है ये बात, अच्छा कहीं ना कहीं है, मैं आपको ढूंढ के दूंगा, कहीं ना कहीं हाँ मैंने हाँ पढ़ा है। वो बहुत जोरदार था, वो भी लगभग ऐसी सी अनुभूति थी। फिर सर ऐसी और भी मैं बाद में रात को जब अपन या आपके सुबह होगी तब करेंगे, तब इसके अलावा सर मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको अभी की, कि मैं तो जब मैं जयपुर में था मैं रेगुलर तो करता नहीं था फिर ध्यान, मैं 2018 तक जयपुर में था, मिड मतलब जुलाई तक, और कभी कभी करता था मैं ध्यान, तो मेरे को अच्छा दर्शन होना ये अनुभूति होना ये सब होते थे, लेकिन उतनी उस लेवल की नहीं आनंद आता था जितना मेरा इनिशियल जब मेरा डिवोशन ज्यादा था, और जो मिलता था आनंद आनंद तो मिलता था लेकिन उतना नहीं, और उस लेवल के नहीं अनुभव होते थे। फिर
एक बड़ी सर, एक बहुत ही ऐसी अजीब सी घटना हुई थी। मेरे पास ऑल्टो कार थी, मारुति ऑल्टो, जयपुर जयपुर में। तो में? अब होता क्या था, हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे था कि भाई इस सुबह अर्ली मॉर्निंग इस टाइम से पहले अगर आप ऑफिस आ रहे हो तब तो आप गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हो, अदरवाइज आपको जाके वर्ल्ड ट्रेड पार्क की पार्किंग जो है वो बुक करा रखी थी कि उधर पार्क करके आओ, ताकि जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको जगह मिले अंदर पार्क करने के लिए, फीमेल और जो प्रेग्नेंट हैं या जो डिसेबल्ड लोग हैं, समझ। तो ये सब था। तो अब कई लोग हम करते क्या थे, WTP जाते नहीं थे, हम लोग ऑफिस के पीछे एक गली है उसी में पार्क कर देते थे, वहाँ बहुत गाड़ियाँ पार्क रहती थी तो हम वहीं कर देते थे। अब एक दिन क्या हुआ सर कि मैं ऑफिस के पीछे ही एक गली में मैंने गाड़ी पार्क करके, तो आप मान लो उसका गाड़ी का जो फ्रंट है वो मान लो आप साउथ की तरफ है, बैक नॉर्थ की तरफ, ऐसे करके मैंने पार्क इस पोजीशन में करके ऑफिस चले गए, अंदर हो गया, छुट्टी हुई। जब वापस आए 8 घंटे बाद, मेरे फ्रेंड के साथ आया मैं बाहर बाइक पे बैठ के, आके देखो तो गाड़ी नहीं है वहाँ पे। तो भाई गाड़ी कहाँ गई, यहीं करी थी पार्क। उसने बोला भूल तो नहीं गए कहीं और स्पॉट पे उधर कर दी होगी, चल देख के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, करे तो यही है, इतना कैसे भूलूंगा। गए, पूरा चक्कर मार लिया ऑफिस के आसपास, 2 बार चक्कर मारा, गाड़ी कहीं दिखी नहीं। बोले यार वो पुलिस ट्रैफिक वाले आए होंगे गाड़ी उठाने, तो वो मालवीय नगर में जो गौरव टावर के सामने जो पुलिया है उसके नीचे ले जाके रखते हैं कुछ देर तक, उसके बाद फिर वो यादगार ले जाते हैं उधर अजमेर, अजमेरी गेट के उधर। तो हमने वहां जाके पूछा मालवीय नगर में, तो बोले कि नहीं, हमने तो आज उधर कोई भी ऐसा कुछ करा ही नहीं, उस एरिया में हम गए ही नहीं, गाड़ी उठाने टोइंग नहीं करी हमने। तो बोले कि एक बार उधर चेक कर लो, फिर भी ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि करते तो हम ही हैं इस एरिया की और हम ही फिर वहां ले जाते हैं जब कोई क्लेम करने नहीं आता। अब हम तो क्या करेंगे, मजबूरी है, तो हम तो चले गए वहाँ, वो टोंक रोड जहाँ एंड होती है अजमेरी गेट के वहां पे। तो वहां गए, वहां जाके पूछा उनसे पुलिस वालों से कि भाई ये जनपेट के बाहर मालवीय नगर से गाड़ी कोई उठाई क्या ऑल्टो। बोले नहीं उधर तो कोई रे, हमने टोइंग का कुछ ऐसा करा ही नहीं आज। उन्होंने बोला भाई आपकी गाड़ी जो है चोरी हो गई है ऐसा लगता है जिस हिसाब से आप बता रहे हो, क्योंकि हमारे तो कोई यूनिट नहीं गई थी, चोरी हो गई आपकी गाड़ी। तो अब आप, हमने कहा चोरी हो गई तो आप रिपोर्ट लिख लो। तो बोले हम नहीं लिख सकते, आपका मालवीय नगर एरिया जो जवाहर सर्कल थाना जो है हाँ उधर वहाँ लगे। रिपोर्ट लगेगी। तो फिर हमने कहा अच्छा, अब वो मालवीय नगर में ही पड़ता है जवाहर सर्कल थाना, पीछे की तरफ ही एक, मैं आसपास ही वहीं रहता था। तो हम वहाँ चले गए, वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे सारा किस्सा बताया कि रिपोर्ट दर्ज करा दी मैंने। उसने बोला भाई कब गुम हुई थी कुछ टाइम, मैंने कहा टाइम तो नहीं बता, सुबह 8 बजे गया था, शाम को 4 बजे आया हूँ, उसके बीच में बाहर नहीं आया, अब उसके बीच में कब गई वो तो मेरे को नहीं पता। बोले यार अब ऐसे तो अगर तेरे 9 बजे चली गई होगी गाड़ी तो वो तो अब तक जयपुर पार करके पता नहीं कहाँ निकल गई होगी, तो अब ट्रैक करना मुश्किल है, तो कैसे करें। फिर मैंने कहा चलो जो भी आप कर सकते हो देख लो, रिपोर्ट तो लिख लो। उसने रिपोर्ट लिखी और वो एक उनका मैसेज होता है उस पर सबको इतला कर दी, मेरे सामने उसने वॉकी टॉकी पे मैसेज किया सबको, सब लिखवा के रिपोर्ट में घर आ गया। फिर मैंने अपने जोधपुर में घर पे पेरेंट्स को बता दिया फोन करके, क्योंकि मैं बहुत घबरा गया था, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, गाड़ी नहीं मिल रही, तो थोड़ा वो भी टेंशन में आ गए। फिर ये सब होके रिपोर्ट लिखवा दी, फिर मेरा फ्रेंड जो है मेरे को बोलता है, मेरे साथ ही था वो, तो बोलता है यार तू इतनी टेंशन मत ले, चल थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं तेरे को घर ड्रॉप कर देता हूँ, कोई बात नहीं मिल जाएगी। फिर हम एक थड़ी थी पीछे जनपेट के उधर बैठ के चाय वाय हमने पी, फिर मैं घर आया, शाम का वक्त हो गया था। अब घर जब मैं आया मेरे रूम पे तो मेरा छोटा ब्रदर भी मेरे साथ ही था, तो वो भी ध्यान करता था। तो जब मैं आया तो जैसे ही मैं रूम में एंटर हो रहा हूँ वो कहीं बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ कि भाई वो अपनी स्लीपर्स पहन रहा है और वो बाहर निकल रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? तो बोले कि आता हूँ आता हूँ।
मैंने कहा जा कहाँ, बता तो सही। बोले कहीं नहीं यहीं जाके आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। 5 मिनट बाद उसका फोन आया मेरे पास कि आ जाओ आपकी गाड़ी मिल गई। मैंने कहा कहाँ मिल गई? बोले वहीं जिस गली में आपने खड़ी करते हो वहीं पे खड़ी है, कांच खुला हुआ एक। अच्छा। ड्राइवर के पास वाला जो कांच होता है, बोले वो खुला हुआ है एक। तो मैंने कहा तू अभी रुक, तो उसको हाथ मत लगाना, कुछ करना मत, कोई चीज हो सकती है अंदर, पता नहीं अपन को, तो तू अभी वहीं पास में खड़ा रहे, थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के, कुछ कर मत, मैं आ रहा हूँ। मैं गया वहां पे, देखा मैंने तो गाड़ी जो है अब जिस डायरेक्शन में मैंने खड़ी करी थी उसके ऑपोजिट खड़ी थी। जैसे साउथ की तरफ अगर मैंने किया था तो अभी नॉर्थ की तरफ था उसका फ्रंट, ऐसे खड़ी हुई थी वो, और उसके ड्राइवर के पास को ड्राइवर वाली साइड शीशा खुला था। फिर मैंने पहले देखा सब गाड़ी में कुछ है तो नहीं, कोई चीज तो नहीं रखी हुई है, सारा कुछ देख लिया, डिग्गी वगैरह ये वो। फिर जाके मैंने वापस थाने में रिपोर्ट कैंसिल करवाई, उनको बोला भाई ऐसे मिल गई गाड़ी, अब मेरे को नहीं पता कैसे मिली, कौन ले गया था, कैसे रख गया वापस, कुछ और होता तो क्यों रखता, या क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं पता है रीजन, लेकिन वो गाड़ी वापस वही। फिर मैंने पूछा भाई से भी हुआ क्या, तू तेरे को कैसे, तू क्यों निकला इतनी जल्दीबाजी में? बोले मैं जब ध्यान कर रहा था तो मेरे को ध्यान में ना ऐसे गली दिखी और उसमें गाड़ी खड़ी हुई दिखी, और गली मेरे को दूसरी दिखी थी पास वाली, जो एक उससे पहले एक गली आती है वो गली मेरे को दिखी ध्यान में, तो इसलिए मैं आया। तो मैं आके पहले उस गली में गया तो वहां पे कुछ मिला नहीं, फिर मैं उसके नेक्स्ट ये थी गली ऑफिस के बाद, तो मैंने उधर जैसे ही आया तो मेरे को सामने गाड़ी दिख गई। तो आप देखो उसको ऐसे विजन दिया ध्यान में, कमाल गाड़ी का, तो और मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अगर कोई चोर होता तो क्यों रखता वापस, इतनी रिस्क क्यों उठाता वो कि वापस आके रख दी गाड़ी, जबकि चाबी मेरे पास ही है गाड़ी की, कार की चाबी तो मेरे पास ही थी पूरे समय। अब कौन सी चाबी लग गई होगी उसमें या क्या हुआ होगा, मैंने 800 का तो सुना है कि उसमें कोई दूसरी चाबी लग जाती है, पर ऑल्टो का मैंने ऐसा सुना नहीं था कभी, तो पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन ये बड़ा ही उसको ध्यान में ये विजन आया गाड़ी का और वो गली का, और वो वहां गया और उसको गाड़ी वहीं मिल गई। और सर अब थोड़ा सा लास्ट का शेयर अभी अगर रिसेंट करता हूँ फिर मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो अब क्या हुआ, अभी मेरे बीच में जयदीप सिंह जो है मेरे फ्रेंड है, उनका मेरे पास काफी सालों में हमारी बात हुई वापस से, उनका फोन आया, वो मेरी दीदी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया भाई युवराज सा कहाँ है, मतलब उनको ये तो पता था कि इधर है पर उनका नंबर और ये वो, तो मेरे पास तो था उनका नंबर सेव्ड, फिर उन्होंने नंबर लेके मेरे से मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैंने कॉल लगाया, बात हुई, तो अब वही बात हुई। तो बात में फिर ध्यान और ये सब, मैंने कहा ध्यान तो मैं रेगुलरली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम जब मेरा तब से चल रहा है, नाम जब मैं करता हूँ, और फिर मैंने उस बीच में कुछ एक दो अनुभूतियाँ थी वो उनसे शेयर करी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी कुछ बताई मेरे को जो आपके चैनल पे लोगों ने बताई होंगी कुछ अनुभूतियाँ, वो उन्होंने मेरे से शेयर, फिर उन्होंने लिंक शेयर किए, आपके चैनल के लिंक शेयर किए मेरे से, ये शायद 2-2.5 हफ्ते पुरानी बात होगी। तो मैं फिर देखने लगा प्रोग्राम्स आपके, और लगभग 10 दिन पहले फिर मैं कैसे भी करके, मैंने कहा यार अब टाइम निकाल के, गुरुदेव ने वापस से पकड़ा अपन को, कुछ भी करके मैं एक टाइम तो बैठूं, क्योंकि सुबह तो क्या अर्ली मॉर्निंग आता हूं मैं ऑफिस, अब चाहूं तो मैं तो जल्दी उठ के बैठ सकता हूं 15 मिनट, इतना कुछ वो नहीं है, पर सुबह मेरे से नहीं हो रहा था, तो शाम को मैं बैठ गया ऑफिस से वापस जाके। तो 10 दिन हुए हैं लगभग, तो मैं शाम के टाइम पे कर रहा हूँ ध्यान। तो अच्छा, अब इन दिनों में अभी प्लस ये जो बीच के इयर्स थे, अभी लास्ट के आप मान लो 2-3 साल जो गए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, उसके बाद से जिस इंस्टेंस पे भी मैंने ध्यान किया या मैं प्रॉपरली बैठ के गुरुदेव को प्रार्थना करके, मैं क्योंकि कई बार तो मेरे को खुली आंखों से भी लग जाता है ध्यान, बिना प्रार्थना किए कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो मेरे को लग जाता है, कई बार मैं कोई भजन या ऐसा कुछ सुन रहा हूँ तो ध्यान लग जाता है, कई बार आपका जो वीडियो चल रहा होता है और अनुभूति शेयर कर रहे होते हैं जिस टाइम पे गुरु भाई या गुरु बहन, तो वो सुनते सुनते मेरा खुली आंखों से
मैं मेडिटेशन में चला जाता हूँ, और लेकिन जब भी मैं प्रॉपरली प्रार्थना करके गुरुदेव के और मैं बैठा हूँ, स्पेशली कैनेडा आने के बाद, तो मेरे को ना खेचरी मुद्रा का ट्राई होता है, मेरे को अभी तक लगी नहीं है प्रॉपरली, अभी तक मैंने कोई रस नहीं टपका है या ऐसा कुछ टेस्ट नहीं आया है मेरा, पर आप देख लो करीब 6-7 बार ऐसा हुआ है कि मेरी टंग जो पीछे की तरफ ऐसे ऊपर रोल होके पीछे की तरफ जाती है, तो मेरे को ये जो जॉइंट होता है अपना टंग और नीचे वाले उसके बीच में वो जो मसल का एक जॉइंट है, समझ गया, तो ये ना ये नीचे वाला ये पेन होता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्ट्रेच होके जाती है पीछे, तो इतना इसको आदत नहीं है इतना पीछे जाने की टंग को, नॉर्मली तो अपन इतना ले जा नहीं सकते, तो ये ध्यान में उतना पीछे जाती है तो पुल होती है पीछे की तरफ, तो मेरा बाद में जब ध्यान से वापस आ जाता हूँ तो मेरा कुछ 10-15 मिनट तक यहाँ पे दर्द होता है नीचे ये जॉइंट है इसमें, क्योंकि वो खींचता है, तो पर ऐसा मेरे को हुआ करीब 4-5 बार हुआ ध्यान में कि ये पीछे जा रही है, अभी तक कुछ वैसे नहीं टेस्ट या कुछ भी ये प्रॉपरली लगी नहीं है, बट मैं भी ऐसा पीछे जाके अगर ऊपर चढ़ेगी तो टेस्ट आएगा। हाँ सर, अभी तो ऊपर चढ़ी नहीं है वो, नहीं चढ़ी तो, पर ये मेरे को क्योंकि इसका नॉलेज था, मैंने सुन रखा था खेचरी मुद्रा के बारे में गुरुदेव के स्पीच से भी और कुछ लोगों से भी, तो मेरे को इसलिए मैं तो इसलिए मेरे को डाउट नहीं हुआ कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता था कि ये कुछ उससे रिलेटेड ही होगा शायद। पर अब सर लास्ट 3 डेज से कुछ अलग ही टाइप का चीज हो रही है जिसका मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता कि ये क्या है, क्या लास्ट 3 डेज से हो रहा है ऐसा रेगुलरली, ध्यान में जब बैठा हूँ तब भी हुआ है, और ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ और आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा था जो आप 9 बजे रात को स्टार्ट होता है, हमारे इधर 12:30 होते हैं उस टाइम पे, तो 11:30 होते हैं सॉरी, तो उस टाइम पे वो सुनते सुनते भी ये वाले अनुभव हुआ है मेरे को, तो क्या हुआ सर कि मेरे को एकदम बॉडी एकदम से लूज हो जाती है बहुत ही ज्यादा, और ऐसा मेरे को दिखा कि मेरी जो बेली बटन है नाभि है, तो नाभि पे मेरे को एक प्रेशर सा फील हुआ, एक स्ट्रेच सा, और नाभि के अंदर से कुछ निकला, कोई छोटी चीज निकली नाभि के अंदर से बाहर की तरफ, और वो ग्रीन 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 कलर का कुछ दिखा बाद में मेरे को, तो जैसे कोई कोई एक फ्लावर होता है, वो फ्लावर खिलने से पहले कैसे शेप होता है ऐसे बंद कली होती है, तो कली भी ऐसे पॉइंटेड सी कली है, मतलब शार्प है आगे से, वो राउंड नहीं है या वो ऐसे फ्लैट नहीं है, वो ऐसे एजी सी कली कुछ है, तो पहले वो बाहर निकली नाभि से, छोटी है साइज में, वो बाहर निकली एकदम से पुश करके, वो बाहर निकली, फिर वो ऐसे मेरे सामने मतलब ऐसे निकली और ऊपर की तरफ ऐसे वो कली उठ रही है, उसके पीछे फिर मेरे को एक बेल टाइप दिख रही है जिसमें कुछ पूरी बेल में जो है 2-3 पत्ते भी दिखे मेरे को ग्रीनिश से, पर वो जो कली है ऐसे ऐसे ऊपर उठी, उठ के यहाँ पे आ गई ऊपर हेड के ऊपर आ गई कली, और उस टाइम पे वो कली ही है, फिर जब मेरे आके यहाँ हेड पे टच हुई तो वो फ्लावर बन गया ऐसे, कली खुल गई। अरे अरे हाँ, तो जैसे यहाँ पे टच हुई तो वो खुल गई और उसने पूरे मेरे जो मेरा सिर है उसको ऐसे वो फैल के उसको पूरे सिर को अपने पकड़ लिया उसने कली ने, फ्लावर बन गया बेसिकली। तो ये चीज हुई, फिर क्या हुआ कि ये जब हो गया तो ऐसे सक्शन हो रहा है अंदर कि वो अपनी तरफ खींच रहा है कुछ चीज को, तो मेरे को पूरा जो है नीचे से ऊपर तक एक एक खिंचाव सा महसूस हुआ, एक पुल महसूस हो रहा है, वो यहाँ पे आके जब फ्लावर बन गया है वो और मेरे सिर को उसने ऐसे कवर कर लिया, तो फिर वो एक पुश एक पुल कर रहा है कुछ और खिंचाव अंदर महसूस हुआ पूरा पेट में यहाँ पे एक, और 3 दिन से ये हुआ है, आज 4th डे है मतलब, तो मेरे को क्या हल्का हल्का सब बहुत ही बारीक माइन्यूट सा हेडेक भी हुआ इस पोर्शन में फ्रंट पोर्शन में 3 दिन से हो रहा है,
ऐसा नहीं है कि दवाई लेनी पड़े, मतलब बर्दाश्त वाला है, लेकिन ऐसा हुआ 3 दिन से ही हुआ है, उससे पहले नहीं था, यहाँ पे हुआ। अच्छा अब ये तो भाई, पर अब कल जब आपका चल रहा था प्रोग्राम, मैं देख रहा था, तो उसमें खुली आंखों से ही ये सब चीज हुई, कली निकली ऐसे ऊपर गई। अच्छा इस बार क्या हुआ कि वो यूं आके टर्न होके यहाँ पे ऐसे नहीं हुई, कली ऊपर आई है, यहाँ सीधी है, यहीं पे खिल के वो फूल बन गई बाहर ही, कमाल है यार, कली पहली हो बार क्या? सुना है मैंने तो, हाँ ये सर मेरे को भी, मैंने कभी ऐसी कुछ सुना नहीं, तो यहाँ तक मैंने नहीं आई है सुना। कली, सामने की तरफ से आई है, फ्रंट से बेल जी बनी हुई है, कली आई यहाँ पे, यहाँ आके खिल गई, फ्लावर बन गया माथे के ऊपर, और जब वो फूल खिला तो उसके अंदर क्या था? गुरुदेव गुरुदेव बैठे हुए हैं उसके अंदर। बहुत जोरदार, तो उस फूल के अंदर ऐसे आलती पालती मार के बैठे हुए गुरुदेव, वो फूल ऐसे माथे के ऊपर आया हुआ है, उस पर गुरुदेव फूल के अंदर बैठ से जब वो खिला तो उसके अंदर दिखे गुरुदेव बैठे हैं। तब जैसे गुरुदेव बैठे दिखे तो वो फूल जो है वो धीरे 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 नीचे 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 आके माथे पे टच हो गया, और गुरुदेव ऊपर उस पर बैठे हुए हैं। बेसिकली वो कुछ फूल आप मान लो कि आसन है उनका, तो वो यूं आके टच हो गया यहाँ पे, वो ऐसे बाहर ऐसे खिल गया है, आके टच हो गया है, गुरुदेव बैठे हुए ऊपर। तो ये मेरे को खुली आंखों से कल दिखा, ये वाला दृश्य दिखा कल, उससे तो पहले तो ये बताओ कल कौन कौन मानेगा आपकी कौन मानेगा सर? और बात इसको तो अपन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, कोई प्रूफ भी नहीं दे सकते इस ये चीज तो को। एक्सपीरियंस का मैटर है, हाँ सर, लेकिन गुरुदेव ने एक बात कही इस बारे में। हाँ सर, गुरुदेव ने कहा है कि जिस परम सत्ता के लिए आप असेंड कर रहे हो, हाँ ऊर्ध्वगमन कर रहे हो, वो आपके अंदर डिसेंड कर जाएगी। हाँ समझ गए? हाँ ये मतलब है मैं कि इसका पूरा वो मीनिंग तो नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ ऐसा मैंने सुना था गुरुदेव के भाषण में, ये चीज जो आपने बोली। बहुत जोरदार चीज है ये, बहुत विलक्षण अनुभूति लगती है मेरे को भाई, कि हाँ सर ये, जिस जिस परम सत्ता के लिए आप कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है, जो यहां बैठी भी है, वो परम सत्ता नीचे आ जाएगी, सही है सर, डिसेंड कर जाएगी, तो सब में वो परिवर्तन आ जाएगा जो गुरुदेव में आया। ये वाली कल हुई सर मेरे को, ये खुली आंखों से बहुत जोरदार, हुई जब आपका मैं सुन रहा था। देखो मैं खुद नहीं जानता, देखो आप तो इतने एपिसोड देख लिए होंगे, आपने पता हाँ नहीं, सर, मैं तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में, एक साधारण साधक के रूप में ये सब अनुभूतियां शेयर करता हूं। मेरे पास ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जैसा आपके पास है, किसी और के पास है, ठीक है, आपको इतनी सारी होगी, मेरे को तो इतनी भी नहीं होती, लेकिन मैं सिंपली ऑनेस्टली ये काम करता हूँ, हाँ गुरुदेव हाँ गुरुदेव सर, का काम है, और जैसा वो करवाते वैसा चलता है। तो अब एक गुरु भाई ने लिखा कि यूके में कोई एक बंदा है, यूके में क्या, गाजियाबाद में रहता है, यूके में वो गुरु भाई रहता है, उसका हाँ फ्रेंड है कोई गाजियाबाद, उसको 24 घंटे में से केवल 2 घंटे नींद आती थी। अच्छा, तो उस गुरु भाई ने, यूके वाले गुरु भाई ने मेरे वीडियोस भेज दिए उसको, हाँ वो वीडियो देख के वो 12 घंटे सोया। अब मैं खुद नहीं जानता कि गुरुदेव क्या करवा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये फैक्ट है कि जो कुछ है वो सब गुरुदेव का है, जो बात हो रही है वो भी गुरुदेव की है, वो ही बोल रहा और वो ही सुन रहा है, हाँ हम सर, केवल क्योंकि उनके खाली पाइप हैं, बोलने वाले माइक्रोफोन है, जैसा वो बोलेगा वैसे हम आवाज कर देंगे, हाँ सर, सब क्योंकि तो उसी कई का है। अनुभूतियां ऐसी होती है जो अपन इमेजिन तो कर नहीं सकते, मतलब अब ऐसे तो कोई कर, इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये, इमेजिनेशन के भी हाँ बियॉन्ड है, कि ऐसी कोई क्यों इमेजिन करेगा, बैठ के मन गढ़ंत क्यों ऐसी कोई चीज बनाएगा जो उसने सही, आज तक कभी देखी नहीं हो या एक्सपीरियंस नहीं की हो। तो इंसान बिल्कुल इमेजिन भी वही चीज करता है जो उसने कहीं ना कहीं देखी हो, वही उसके वापस से सबकॉन्शियसली थॉट आते हैं, लेकिन इस टाइप की चीज जो कभी नहीं देखी हो तो मुश्किल है। विलक्षण है भाई ये योग जो है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और वो राम गट गट में बैठा हुआ और है सर ना, और वो खुले में कह के गया है कि हाँ, यार राम तो गट गट का वासी है, ये मंत्र जाप के अभी जाग जाएगा। और बड़े सालों बाद कल जब ये अनुभूति हुई मेरे को गुरुदेव वाली,
इसके बाद जब मैं लंच ब्रेक पे जा रहा था ऊपर, मैं फूड को माइक्रोवेव करने जा रहा था, हमारे जहाँ फ्लोर है उसके नेक्स्ट फ्लोर पे ही कैफेटेरिया है। तो मैं अब जब चल के जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ चल ही नहीं रहा हूँ, एफर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं एकदम से लूज हो गया था शरीर, हल्का एकदम, ऐसा लग रहा है हवा में ही उड़ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इतना हल्का, कुछ फील नहीं हो रहा। गया गया, गया। अब वो जो डोर्स हैं हमारे, तो क्या होता है मैं स्टेयर्स से जाता हूँ, पहले एक डोर आता है स्टेयर खुलने का, फिर जब स्टेयर खत्म होती है दूसरा डोर आता है, और फिर कैफेटेरिया का मेन डोर है जो बड़ा है, और ये बड़े हैवी डोर है सर, काफी थिक हैं, और उसकी जो शटर वाली स्प्रिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे छोड़ दें तो बड़ी जोर से आवाज करते, इस टाइप का वो डोर है, तो एफर्ट लगा के खींचना पड़ता है। तो कल जब मैं जा रहा हूँ और मेरे को शरीर इतना हल्का लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है यार मैं इस दरवाजे को खोलूंगा कैसे, इसके लिए तो इतना जोर लगा के खोलना पड़ता है। और आजकल कई बार हमें, जैसे कोरोना चल रहा है तो हम लोग हाथ भी टच नहीं करते, तो मैं ऐसे ही को नहीं अपने टच करते ना। शोल्डर से ही पुश करके खोल देता हूँ, ताकि खुद जो है हाथ नहीं लगाना। तो जब गया फर्स्ट डोर आया, और मैंने तो शोल्डर की जगह तो क्या करना है, मेरे को तो खाली रिस्ट जो है बस, मैंने ऐसे शोल्डर सोच रहा हूँ करूंगा, इतने में मेरी सिर्फ रिस्ट टच हुई उस डोर, डोर खुल गया पूरा। इतना अरे हैवी डोर है वो, मतलब कंधे की तो जरूरत नौबत ही नहीं आई, मतलब अभी तो खाली कलाई ही टच हुई थी जैसे ही, और मैं तो अपने आप को इतना लाइट फील कर रहा था शरीर को, मेरे को लग रहा था मेरे से तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो इतना जोर लगता है, और मेरे को अरे तो कोई बाप रे, महसूस ही नहीं ना हो रहा कोई अंदर शरीर में, पर कलाई जैसे ही टच हुई तो गेट एकदम से खुल गया, ऊपर वाला गया, पुल करना होता है उसका जो डोर नॉब है उसको, एक उंगली जैसे ही टच की वो खट करके पुल हो रहा है डोर, और लास्ट वाला जो डोर है जो मेन जो डबल डोर है उसमें क्या एक छोटा सा ग्लास लगा हुआ है सी थ्रू वाला, तो जब मैं उसके लिए वो कार्ड टैप करना पड़ता है एक्सेस कार्ड, तो मैंने जैसे ही एक्सेस कार्ड टैप किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो कांच छोटा सा विंडो बनी हुई है डोर में, उस कांच के उस तरफ भी मैं ही खड़ा हूँ, मतलब ये वापस से कितने सालों बाद मेरे को वापस से सूक्ष्म शरीर की अनुभूति हुई कि उस कांच के दूसरी तरफ मैं ही खड़ा हूं, मैं दिख रहा हूं अपने आप को कांच में से। तो मैं जब एक्सेस कार्ड को टैप कर रहा था तो, और मैंने देखा कि भाई कोई, अपन ऐसे नजर जाती है ना कांच पे कि कोई सामने से आ तो नहीं रहा, एकदम से दरवाजा खुलेगा लग नहीं जाए अपन को, तो अपन की नजर उधर ही जाती है कांच की तरफ ही, उधर जैसे मेरी नजर गई तो मेरा अपना ही चेहरा उसमें, उस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे करके टीज कर रहा हूँ अपने आप को, हंस रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, और यूं 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 थम्स अप कर रहा हूँ अपने आप को, जबकि कमाल। मेरे दोनों हाथ तो बिजी हैं, एक हाथ में एक्सेस कार्ड है दूसरे हाथ में मेरा टिफिन पकड़ा हुआ है, उधर जो बंदा खड़ा है जो युवराज दूसरा खड़ा है वो ऐसे ऐसे करके यूं कर रहा हूँ मैं, और ऐसे अपने आप को ही खुश कर रहा हूँ ऐसे। मैं कह रही ये क्या है, ये कौन दिख रहा है मेरे को, तो मतलब ये कल जबरदस्त ये हुई मेरे को सर, और ये सब खुली आंखों से हो रहा है ये, बिना पहले तो मेरे को जब ध्यान में ही हुई थी ये, पर कल ये जी, सब खुली आंखों से हुआ। बहुत बढ़िया। तो सर अभी फिर मेरे अब को, ये बिल्कुल, हाँ अभी मेरे को जाना पड़ेगा, फिर आपने अब 53-54 मिनट दिए हाँ और सर ये ये पता ही पूरा नहीं चला, एपिसोड मैं हो तो गया। सोचा था 5 मिनट की कॉल ये करके वापस करूंगा, सुनो, लेकिन पता, बात गुरु जब का स्टार्ट प्रेम होती है तो देखो, रुका ही नहीं जाता है। बिल्कुल गुरु का प्रेम देखो। गुरुदेव ने 5 जून 2017 को शरीर त्याग दिया था ना, हाँ सर, उसके लिए ये वही पुष्प हैं समर्पण किया आपके, जो आपकी तरफ से अब ये रिकॉर्डेड वर्जन 5 तारीख को प्रीमियर किया जाए। ओहो अच्छा, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानते, और आपकी बात सुन के मेरे को ऐसा नशा आ रहा था, आंखें बंद हो रही थी, है हाँ सर मैंने ऑब्जर्व किया। ना। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन राम के नाम का नशा जो है ना, वो कनाडा से होकर के जयपुर आ रहा है, तो हाँ जोरदार सर है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया गुरु भाई, ये सच में नशे वो से राम एक बात मेरे को याद का आई, पता जी। नहीं कैसे रिलेटेड, कई बार क्या होता है अपने नजर उतारने का और ये सब करते हैं ना घर पे, हाँ
अब वैसे तो क्या मेरी मम्मी दादी और ये सब भी कर देते थे, फिट करी से या मोर पंख से कर देती थी मेरी दादी सब। एक क्या होता, एक ब्राह्मण लेडी थी वो आती थी घर पे रेगुलरली, आती थी वो महीने में 2 बार आती थी, और वो बैठती थी, मतलब वो बड़ी अच्छी है नेचर की। तो उन वो जैसे उनको कुछ थोड़ा दान दक्षिणा वगैरह करते थे, तो वो हमारी कॉलोनी में आती थी, कुछ कुछ घरों में जानती थी, बुढ़ी थी वो लेडी। तो अब वो जब आती थी तो फिर उनसे क्या है कि मम्मी और बोलते थे कि भाई जो भी अवेलेबल है कि यार बैठो बैठो नजर उतरवा लो, महाराज आए हैं नजर उतरवा लो। तो वो क्या, एक नाइफ पकड़ के हम ही देते थे किचन में से लाके, तो एक चाकू पकड़ के फिर वो ऐसे यूं चाकू को यूं कुछ बोलते हुए यूं 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 करके, और जमीन पे यूं टच करती, यूं यूं करके जमीन पे टच करती। तो वो बाकी सबके तो उतारती थी नजर नॉर्मल, जब भी मेरी उतारती थी तो उसको ना ऐसे नशा आने लग जाता था, उसको खुद को लेडी को, उसके ना उबासी आती थी। और जितनी बार मेरी नजर उसने करीब, वैसे जब मैं जोधपुर होता था तभी ऐसा मौका पड़ता था, अदरवाइज तो जयपुर में, पर जैसे गया हुआ होता था और वो आती थी, तो ऐसे करीब आप देख लो 6-7 बार हुआ होगा ऐसा। जब भी उसने मेरी नजर उतारी तो हमेशा उसको है ना ऐसे उबासी आने लग बस जाती थी और नशा सही आने। वो मेरे को बोली भी, मतलब मेरे मम्मी को भी बोली कि मैं जब भी बना के नजर उतारती हूँ मेरे को ऐसे नशा सा आता है, मेरे को नींद सी आती है, उबासी आती देखो। और उसको हर बार उबासी आती थी, सही, ये मेरे को भी नहीं समझ आता था कि ऐसा इसको क्यों होता है सिर्फ मेरे उतारते हुए, गुरु की बाकी कृपा है भाई आपके ऊपर, गुरु बाकी लोगों की पे कृपा करती है है, तब नहीं वापस होता। से री एनरोलमेंट हुआ है आपका। हालांकि आपने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, अच्छी हाँ बात सर है। आप रेगुलर ध्यान भी करो तो इतने बिल्कुल देखो बिल्कुल, दो कमल के फूल तो आ गए आपके पास, हाँ सर और बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूति है, बहुत विलक्षण। और इस बात को सुन के जो आनंद आया वो अद्वितीय है, बहुत जोरदार। चलो फिर बात ठीक करते है गुरु सर, भाई, आप ओके एंजॉय सर, कीजिए। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। ठीक थैंक यू है, सर, ओके सर। चलो जय गुरु।